उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट और जस्ट फ्यू मोमेंट्स बैक, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सिंसियर सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहता हूँ फॉर ऑल ऑफ माय इंडियन फ्रेंड्स। और जिस क्राइसिस में इस वक्त हम सब लोग जकड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, तो रियली विश के ये जो पेंडेमिक है, ये कोरोना वायरस के जो भी खतरात हम सबके ऊपर मंडला रहे हैं, तो उन सबसे जो है वो हम लोग महफूज रहें। तो आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एज ऑलवेज। तो आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट इस हवाले से थी कि विक्टोरिया ने अब एक फाइनली विद द प्रपोज डेट, उन्होंने एक लेटर जो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा है, और जैसा आप जानते हैं कि विक्टोरिया ऑलरेडी 1000 इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो हैं वो उनके होटल क्वारंटीन के अंदर उसको अकोमोडेट वो कर रहे हैं। अब उसमें जैसे उन्होंने प्रीवियसली उसको प्रपोज किया था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को पहले रिजेक्ट कर दिया था, तो अब अगेन विक्टोरिया ने जो है और उनके जो एक्टिंग प्रीमियर है उन्होंने इस प्रपोजल को और इस लेटर को जो है वो नेक्स्ट उन्होंने भेजा है कि 120 यानी 120 जो इकोनॉमिक होर्ट्स जो थी जिसको उन्होंने प्रपोज किया था, इकोनॉमिक होर्ट्स में उनके बिजनेस ट्रैवलर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फिल्म क्रू का उन्होंने जिक्र किया था, तो 120 वो जो इकोनॉमिक होर्ट्स के ट्रैवलर्स हैं उनको वो 24 मई से उन्होंने प्रपोज किया जी, 24 मई से वो चाह रहे हैं कि उनको वापस विक्टोरिया में लाया जाए। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शामिल हैं। इनके एक्टिंग प्रीमियर का इसमें ये कहना था कि जैसे वो ऑलरेडी ये कहते आए हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो बैकबोन है विक्टोरिया का, और मेलबर्न के हवाले से उन्होंने बात की थी, तो अब उन्होंने कहा जी कि उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जब भी ये सेफ होगा तो तब उनको वापस बुला लिया जाएगा। तो अब उन्होंने 24 मई की डेट एक प्रपोज की है कि 24 मई से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उनको वो वापस विक्टोरिया में लाने के लिए उन्होंने एक लेटर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखा। और इसी तरह जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज में जिक्र किया था कि जो उनकी यूनिवर्सिटीज हैं वो इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, उनके रेवेन्यूज जो हैं वो रेड लाइन में फॉल कर रहे हैं, तो उनकी जो यूनिवर्सिटीज और खासतौर पर जो विक्टोरिया, क्योंकि विक्टोरिया और NSW ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो होस्ट करती हैं, तो अब विक्टोरिया ने 24 मई की एक डेट प्रपोज की है फाइनल अपनी प्रपोजल जो उन्होंने अल्टरनेट क्वारंटीन प्लान के हवाले से उन्होंने दी है फेडरल गवर्नमेंट को। उसमें उन्होंने कहा कि 24 मई से 120 स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक कोर्स में जो बाकी कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स भी उसमें शामिल हैं और फिल्म क्रू के कुछ लोग जो उसमें शामिल हैं इसमें, लेकिन मेजर पोर्शन जो है उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का उन्होंने जिक्र किया है कि उनको वो वापस विक्टोरिया में जो है वो वापस लाना चाह रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने अल्टरनेटिव क्वारंटीन प्लान एक उसके साथ अटैच किया है, यानी ये वो क्वारंटीन प्लेसेस होंगी जो अदर देन जो 1000 रिटर्निंग ऑस्ट्रेलियंस हैं उसके अलावा उनको उनसे 120 इन स्पेसेस जो हैं वो उन स्पेसेस के अलावा होगी, और इसमें उनको शामिल नहीं किया जाएगा और उनको सेपरेट क्वारंटीन फैसिलिटीज दी जाएगी। अब ये क्वारंटीन फैसिलिटीज जो हैं वो जो फर्म्स और जो यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस ला रही हैं, और कुछ पोर्शन जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खुद से उसको बेयर करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हम पहले जिक्र करते हैं कि कोई डेट अभी तक चूंकि वो नहीं फाइनलाइज हो रही थी, वो फाइनल डेट उनकी तरफ से नहीं आ रही थी, और अभी ये प्रपोजल जो एक सेट डेट के साथ उन्होंने भेजा है, तो इसमें उम्मीद की जा सकती है कि इसको फेडरल गवर्नमेंट भी अप्रूव करेगी। सो लेट्स होप फॉर समथिंग गुड हैपनिंग सून। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिएगा, और इस पेंडेमिक में कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो घरों में रहें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।